नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टैग। यार अब मैंने शुरू कर दिया है आपके कमेंट्स उठा के उस पर वीडियो बनाने का सिलसिला, ताकि आपका कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट में पूछो तो उसका जवाब प्रॉपर मिल जाए आपको भी, और वैसी समस्या किसी और को तो उसको भी मिल जाए। ये मेरी शुरुआत आपको कैसी लगी इस पर कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। और आज मैंने ऐसा एक कमेंट किया जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर किसी भी कारण से अगर हमें गूगल एडसेंस यूट्यूब चैनल पर चेंज करना पड़े तो क्या होगा। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किन किन कारणों से आपको चेंज करना पड़ सकता है और उससे आपके YouTube चैनल पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों, मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूं कि पहले तो यह होता है कि कुछ ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जिनकी एज 18 साल नहीं हुई है और वो एडसेंस से पैसा कमाना चाहते हैं यूट्यूब के थ्रू। तो मैं आपको सबको भाइयों क्लियर कर देता हूं कि आप अपने नाम से तो एडसेंस नहीं ले पाएंगे। तो आप अपने मम्मी पापा चाचा ताऊ बड़े भाई बड़ी दीदी जो भी आपके घर में बड़ा हो, जिनकी एज 18 से ऊपर हो गई हो और जिनका बैंक में अकाउंट हो, उनके नाम से आप एडसेंस बना लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर काम आप कर लीजिए और पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा, फिर आप उनसे पैसा ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की कि अगर आप अपने चैनल बनाया और उस पे एडसेंस भी लिंक किया हुआ है लेकिन आपका एडसेंस जो है जैसे ही उसमें गया रिव्यू में उसके बाद डिसेबल हो गया या डिस अप्रूव कर दिया गया किन्हीं भी कारण से कर दिया गया हो, चाहे वो डुप्लीकेसी के वजह से किया हो, चाहे वो उनकी पॉलिसी की वायलेट कर रही हो आपकी वीडियो, या फिर ऑटो जनरेटेड वॉइस हो, किसी भी कारण से अगर डिस अप्रूव कर दिया है तो आप अपने एडसेंस को बदलने से कोई बेनिफिट नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। और अगर आप अपना एडसेंस बदलेंगे तो भी वो वापस रिव्यू में जाएगा चैनल। और भैया एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका जो चैनल है वो डिसअप्रूव हुआ है आपका एडसेंस, तो भैया उसके कारणों को पहचानने की कोशिश करो कि भाई किस कारण से आपका डिसअप्रूव हुआ है। अगर डुप्लीकेसी की वजह से डिसअप्रूव हुआ है तो आप डुप्लीकेट वाली वीडियो को डिलीट करके अपनी खुद की वीडियो बनाना शुरू कर दें। और अगर भाई कोई और कारण है, आपकी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से अगर आपका चैनल जो है डिसअप्रूव हुआ है तो यही एडसेंस को आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तब तक आपको उन कारणों को अपने चैनल से खत्म करना होगा। अब यहां पे करते हैं कि भाई जिनका चैनल मोनेटाइज है ऑलरेडी रेवेन्यू वो कमा रहे, अब वो अपने एडसेंस को अगर चेंज करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं भाई, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और किसी भी कारण से, कारण कोई भी रहा हो, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे कमेंट्स में आपने कारण बताए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारण बताए, उन सबकी बातें करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्लियर सी बात है, कोई भी कारण रहा हो आपका चैनल अगर मोनेटाइज है और आप चाहते हैं कि अपना एडसेंस आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, उस टाइम पेमेंट प्रोसेसिंग में नहीं होना चाहिए, पेमेंट प्रोसेसिंग में नहीं होना चाहिए, यानी कि पेमेंट आने वाला है प्रोसेसिंग में, उस वक्त आप चेंज मत करें। अदरवाइज आप जब भी एडसेंस चेंज करेंगे, एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप एडसेंस चेंज करेंगे वापस से आपका चैनल रिव्यू में चला जाएगा और उसके बाद वो वापस से अप्रूव होगा या नहीं होगा ये पूरी तरह YouTube पर ही डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है फिर आप मुझसे कहें कि सर हमारा पहले तो एडसेंस अप्रूव था, हमने एडसेंस चेंज कर दिया और अब हमारा अप्रूव नहीं हो रहा। तो भाई ये पूरी तरह YouTube पर डिपेंड करेगा कि वापस से आपके नए जो एडसेंस है उस पर वो अप्रूव करे या ना करे, या फिर कोई कारण वो निकाल दे। तो सोच समझ के जो है एडसेंस को कीजिएगा आप चेंज। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं एडसेंस के बारे में, एक चीज आप सबको पता होनी चाहिए कि एक व्यक्ति एक नाम से एक एड्रेस पे सिर्फ एक ही एडसेंस रख सकता है। अगर वो दो रखते हुए पाया गया तो उसके दोनों के दोनों एडसेंस को जो है गूगल खत्म कर सकता है। यानी कि देखिए घर में अगर 10 व्यक्ति है अलग अलग नाम के एक ही एड्रेस पे, तो 10 अलग अलग लोग तो एडसेंस बना सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक नाम से एक एड्रेस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एडसेंस बना सकता है। इस बात को आप अच्छी तरह दिमाग में डाल लीजिएगा और जो नेम आपका एडसेंस में है उसी नेम से आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो यार यही था एडसेंस को चेंज करने के लिए कुछ जानकारी जो आपने मुझसे कई बार पूछी कि सर हम एडसेंस को चेंज करेंगे तो क्या होगा। अगर फिर भी आपका कोई और सवाल भी है एडसेंस को लेकर तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लेना ताकि नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, कोई भी ऐसी नई जो टेक अपडेट्स आए आपसे मिस ना हो। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करता हूं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।